मैं प्रभजित कर, वेलकम टू प्रब्रू टेक। आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये बंदी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल है। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। तो अभी ये भी वीडियो देख लेनी चाहिए। तो आप ये वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि मैं उस बंदी की फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को पूरे के पूरे आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदी इंस्टाग्राम पे किस नाम पे है और फेसबुक पे किस नाम पे है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरी की पूरी देखिए उस बंदी के बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ चीजें रिवील करने जा रही हूँ उस ट्रेंडिंग गर्ल के बारे में, जो सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हो गया और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। तो उसका फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी में भी आपको पता होगा या नहीं होगा, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले एक लड़की होने के नाते मुझे लगता है कि उसने जो सॉन्ग है जो वो बहुत अच्छा है, पर जो एक्शन है बहुत ही गंदे, मुझे नहीं अच्छे लगे, पर्सनली मुझे नहीं अच्छे लगे। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो को अटैच कर रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं। जो वो गंदी वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं उस बंदी के साथ, वो सब चीजें अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि मुझे वो बंदी भी नहीं अच्छी लगी। ठीक है, बंदी तो चलो यार अच्छी होगी क्योंकि मैंने उसकी आईडी देखी है, उसकी पहले की वीडियोस देखी है, काफी अच्छी वीडियो है। अब तुम्हें इसका भी मतलब बनाना पड़ेगा, तुम बड़ी ना महारानी हो पूछने वाली। महारानी हूँ मैं मैम की। अब वीडियो बना के सबको दिखाओगी है? जो है तुम्हारा बनाना वो स्टाइल है फोन पकड़ने का स्टाइल। पहली बार देखा था तो। और बंदी बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती है, शी इज वेरी नाइस। बट क्यों कभी कभी क्या होता है कि टाइम खराब होता है और बंदा कुछ ना कुछ गलत कर देता है। Hello, I'd like to order French fries, a burger and a milkshake. This is a library. I'd like to order French fries, a burger and a milkshake. So stupid. Maybe उस बंदी का टाइम खराब होगा और उसने गलत कर दिया। पर आज एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं उसकी आईडी देख रही थी, उसने 3-4 घंटे पहले ही कुछ पोस्ट किया है। शी इज वेरी हैप्पी और बहुत ज्यादा हैप्पी है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी फोटोज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ फर्क पड़ रहा होगा। सब लोग फेम चाहते हैं और चाहे मुझे लगता है चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, बस फेम तो फेम होना चाहिए। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 1 बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे चूतियों का सहारा है। मतलब कि पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो ऐसा फेम तो किसी भी लड़की को नहीं चाहिए हो, क्योंकि एज अ लड़की होने के नाते इज्जत सबसे ज्यादा होती है। और बंदी ने यार ऐसा करके वीडियो डाल दी तो क्या बोलूं मैं अभी उस वीडियो के बारे में। मैं बोलूं भी तो बोलूं क्या कि ऐसी वीडियो, एटलीस्ट यार कुछ उसकी इसी सॉन्ग में एक और वीडियो है। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। जो जस्ट उसने आंखों के एक्सप्रेशंस दिए हैं और वो वीडियो वायरल नहीं हुई, जब उसने कुछ डर्टी एक्सप्रेशन और डर्टी एक्शन दे दिए तो वीडियो वायरल हो गई। और सबसे मेन बात कि वीडियो वायरल उसने यूट्यूब पे नहीं की थी, उसने अपने ही म्यूजिकल ऐप में जाके, उसका जो म्यूजिकल ऐप होगा उसमें अपनी वीडियो बनाई और उसने शेयर कर दिया। वहां से किसी बंदे को पता लगा होगा यार ये वीडियो ऐसी है, उसने उठाया और यूट्यूब पे डाल दिया। और मुझे नहीं पता कि फर्स्ट में किसने डाला है, तो किसने वो वीडियो उठा के फर्स्ट यूट्यूब पे डाली उसके बारे में तो बात करने का कोई फायदा नहीं है।
और मैंने आपको बोला था कि मैं उसके बारे में कुछ चीजें रिवील करूंगी। वो क्या है चीजें कि कोई कोई वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे और बोल रहा है कि बंदी जेल में चली गई। यार हमारे इंडिया में एक रेपिस्ट को इतनी जल्दी जेल में नहीं डालते हैं, और उस बंदी का तो उस बंदी ने तो कुछ किया भी नहीं है, अपने ही ऐप में जाके उसने वीडियो बनाई है और उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसने तो किसी को बोला नहीं था कि भाई तुम जाओ और मेरी वीडियो वायरल करो, लोगों ने वायरल की, उसने तो कोई वायरल नहीं की, और बोलते हैं कि फांसी हो गई है। यार किसको फांसी होती है? हमारी लॉ को तो बहुत अच्छे से पता है कि फांसी किसको होनी चाहिए। रेपिस्ट को तो इतनी जल्दी फांसी होती नहीं, उस बंदी को फांसी हो जाएगी। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं भी पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि मुझे भी पर्सनली उसकी एक्शंस उसके बहुत गंदे लगे। उसकी जो पहले की वीडियोज है उसमें भी उसने काफी एक्शंस किए हैं, नॉट दैट वल्गर। पर दिस वन इज टू वल्गर बिकॉज एक लड़की, मैंने जितने भी कमेंट्स देखे, काफी सारे वीडियोस में गई, मैंने कमेंट्स देखे, ऑलमोस्ट जो भी कमेंट्स थे लड़का लोगों के थे, यार बंदी ने गलत किया है तो आप अपना मुंह खराब क्यों कर रहे हो? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। चलो वो चीज भी हम लोग छोड़ते हैं कि मैं क्या ये चीज बोलूं। अगर मैं किसी को भी हर्ट कर रही हूं, प्लीज आई एम सो सॉरी, पर एज ए गर्ल होने के नाते मुझे मन कर रहा था कि मैं बोलूं कि आप भी अपना मुंह खराब मत कीजिए, बंदी ऐसी है, आप क्या कर सकते हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो दिल्ली से है और दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो दिल्ली से नहीं है, वो है दुबई से। ठीक है, वो दुबई से बंदी है और उसका पेट नेम मलाइका है। और यहाँ पे मैं आपको उसका फेसबुक आईडी दिखा रही हूँ, ये उसका रियल फेसबुक आईडी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये, अगर आपको लग रहा होगा कि ये भी आईडी फेक हो सकती है, एक्चुअली ये फेक आईडी नहीं है, ये 3 से 4 साल पुरानी आईडी है। आप देख सकते हो उस बंदे ने काफी सारी पोस्ट की हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जैसे कि मैं आपको ये आईडी दिखा रही हूँ और मैं जैसे कि आपको बोल रही हूँ कि ये दुबई से है, ठीक है, एक्चुअली ये आईडी और ये बंदी इस वक्त दुबई में है और ये आईडी भी दुबई से है, पर वो लड़की इंडियन ही है इसीलिए तो हिंदी बोलती है। और जैसे कि आप काफी सारे लोगों ने तो देख ही चुके होंगे कि इंस्टाग्राम की आईडी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे उसकी रियल आईडी है, आप देख सकते हो उसकी रियल आईडी जिसमें उसने काफी सारी पोस्ट की हुई है। एक पिक्चर में मैंने उसको देखा कि वो डीजे प्ले कर रही है, मे बी वो करती होगी वो काम, डीजे का शायद, बिकॉज उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। पर पर्सनली बोलूं, मुझे ये वीडियो जो उसने अपलोड की थी अपने म्यूजिकल ऐप में, मुझे अच्छी नहीं लगी यार, कुछ और बना लेती। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखे, काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट देखे कि यार बंदो क्या सोचते हो, लड़कों से ज्यादा क्या लड़कियां आगे नहीं है, लड़कों से ज्यादा क्या लड़की आगे नहीं है, लड़कियां आगे हैं, गाड़ी चलाने में है, कुकिंग करने में है, घर संभालने में है, सब चीजों में आगे हैं, ठीक है, तो इस चीज में क्यों ना आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो ये लड़की आगे बढ़ गई इस वक्त और बोलती है कि लड़कियों को ज्यादा गालियां आती हैं पर वो बोलती नहीं है। हाँ मुझे भी आती हैं गालियां, पर मुझे पता है कि कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा कि लड़कियों के साथ अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो लड़के कैसे देखते हैं, उनको कैसे टीज करते हैं, अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं समटाइम्स किसी लड़के ने ऐसा, क्योंकि अनएजुकेटेड लड़के होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोल देते हैं। अगर लड़की में हिम्मत नहीं है उसको एक थप्पड़ लगाने में, एक गाली निकालने में, अगर लड़की में हिम्मत नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगी। लड़की को, मुझे लगता है लड़की को तो सीखना चाहिए,
वो सब चीजें। पर हाँ, लड़की को पता होना चाहिए वो चीजें कहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि लड़की की इज्जत लड़की के हाथ में होती है। वैसे ही मैं अभी भी आपको ये चीज बोल रही हूँ, मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर रही हूँ और मैं हर्ट करना भी नहीं चाहती हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में गलत, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत मत बोलो, आप बोल सकते हो गलत, मैं कौन होती हूँ आपके रोकने वाली, पर एटलीस्ट आपकी आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ऐसी लैंग्वेज है कि मुझे पढ़ने में जो कमेंट्स है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एनीवेज उसके बारे में हम छोड़ते हैं, तो हम अभी आगे बात करते हैं कि कुछ लोगों ने काफी सारे कमेंट्स और भी किए थे मेरी वीडियो पे, नहीं क्योंकि मैं और भी वीडियोस देख रही थी, उन वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स हैं। हाँ, तो उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि काफी सारे कमेंट्स थे कि वो जो सॉन्ग था, ठीक है, वो जो सॉन्ग है उसके बाद उन्होंने कमेंट किए हैं कि तेरा क्या कुछ नहीं जाता, समथिंग प्रेग्नेंट ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को बोलते हुए भी शर्म आती है, मैं नहीं बोल सकती उस चीज को, आई एम सो सॉरी। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि कुछ लोगों ने बहुत फेक वीडियोस बनाई हैं, और कुछ लोगों ने बोला था कि इस बंदी को तो ये सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। भाई यार, कर क्या दिया उसने, एक एक्शन कर दिया है मे बी, और तो उसने कुछ किया नहीं है। अगर किसी को वीडियो अच्छी नहीं लग रही है उसकी, तो डोंट वॉच ना। अगर आप सही हो तो आप वीडियो मत देखो, और आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप शेयर क्यों कर रहे हो, आप बता क्यों रहे हो किसी को कि भाई मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो बताओ भी मत आप किसी को, ठीक है ना। मुझे पर्सनली लगा था कि उस बंदी को हर्ट हुआ होगा, पर जब मैंने शाम को उसकी आईडी देखी, मुझे सीरियसली नहीं लगा कि उसको हर्ट हुआ है, या शी वॉन्ट फेम, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको फेम चाहिए, और आप लोग पूरा पूरा उसको फेम दे रहे हो। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, मिलियन में जा रहे हैं व्यूज, और बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं, चलो यूट्यूबर्स के लिए अच्छा है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि टेक चैनल है ये बंदी ने क्यों डाल दिया है ये वीडियो, टेक चैनल है, टेक चैनल इसलिए है कि आपको नॉलेज देने के लिए हर एक चीज के लिए। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे आप हर एक चीज की नॉलेज ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो वायरल हो चुकी है तो आपको इसके बारे में सही सही नॉलेज दी जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको सही नॉलेज मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी अगर कुछ भी किसी को भी हर्ट हुआ हो, आई एम रियली सॉरी, पर नॉलेज तो बनती है ना। बाय बाय फ्रेंड्स।